उस बीच में अपन सामने वो मेन रोड के बाजू में अपन मूवी देख रहे थे फोन में, तो उन्होंने बोले कि बाहर निकलो, बोले हम लोग फोन है बोल के पूछे, तो फिर उन लोगों को देखे गन उन, तो उसके बाद अपन बाहर निकले। फिर फर्स्ट टाइम फोन ले लिया मेरा, फोन लेने के बाद फिर बाद में कानपट्टे में बंदूक टिका दिया मेरे को अपन दोनों को, तो उसके बाद अपन को बंदी करके इधर नीचे चढ़ लाए। तो नीचे चढ़ लाने के बाद मैं बोला, तो फोड़ रहे थे कांच मन को, तो मैं बोला उस बीच में मत गाड़ी मन को मत जलाओ बोल के देखा, तो उन लोग बोले कि तू चुपचाप रहे नहीं तो बोल राइट साइड मारेंगे लेफ्ट साइड निकलेगा बोल के बोले, तो मैं भी चुप हो गया। तो उसके बाद फोड़ फोड़ किए, फिर अपना सुपरवाइजर नीचे था उसको उठा के फिर उन लोग ले गए नाका साइड, तो वहीं उनको अंडरवेयर में था। तो उसके बाद अपन उसके बाद इधर से निकलेंगे बोल के हो रहे थे, फिर हम लोग के पीछे पीछे उन लोग फिर बोले कहीं नहीं जाना सामने रहो बोल के। तो उसके बाद उन लोग पूरा तोड़ फोड़ किए, फिर वो डीजल टैंकी मन में टंगिया मारे, तो उसके बाद आगे डाल दिया। 10-15 मिनट में उन लोग कंप्लीट करके चले गए। फिर उसके बाद फोन मैं मांग के देखा नहीं दिए, तो फोन करूँगा बोल के, तो उस बीच में फिर मेरे को बाद में उन लोग जा रहे थे उस बीच में फोन दिया। अच्छा, कितनी गाड़ियों को नुकसान पहुंचा? ये 14-15 गाड़ी। और कितनी की संख्या में आए थे? वो 50-60। क्या हथियार बंद थे? हाँ, बंदूक भी था, तीर धनुष था, टंगिया मन भी था। आप लोग यहाँ पे कितने कर्मचारी थे उस दौरान? ये उस बीच में कम से कम वो तो सब अंदर थे, कम से कम कोई 30-35 लोग। थाना यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर है, कितने देर में? जैसे फोन किए तुरंत पहुँच गए, क्योंकि 7-8 लोग थाना से इतना फास्ट पहुँचना बोने से। आसपास थाना भाषी क्षेत्र अंतर्गत रोड निर्माण कार्य हेतु लगी गाड़ियों में लगभग 25-30 नक्सली, जिसमें से अधिकतर नक्सली ग्रामीण वेशभूषा में आए थे और कुछ वर्दीधारी नक्सली भी थे, इनके द्वारा गाड़ियों में आगजनी की गई और आगजनी के तत्काल बाद ये मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी बल के साथ वहां घटनास्थल में पहुंचे और उन्होंने आग बुझाया। लगभग 14 गाड़ियां इसमें आंशिक रूप से जली हैं और घटना के कुछ ही समय के बाद DRG और यंग प्लाटून भी घटना स्थल पर पहुंच गए थे और अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है, आगे वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।